10 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट नीट JEE का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही हज़ार स्टूडेंट का मेडिकल कॉलेज या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो पाता है। आखिर रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अच्छी पढ़ाई के साथ साथ आपको अच्छा गाइडेंस भी चाहिए, जैसे कि कैसे आप खुद को 2 साल तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के मोटिवेटेड रख सकते हो, आपका टाइम टेबल कैसा रहेगा, आपके टेस्ट सीरीज का पैटर्न कैसा रहेगा, MCQ सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपके वीक पॉइंट, फाइनल एग्जाम के दिन कैसे आप टाइम को स्ट्रेस को मैनेज करोगे। वसीम सर ट्यूटोरियल्स में अच्छा पढ़ाने के साथ साथ आपको अच्छा गाइडेंस भी दिया जाता है। सभी स्टैंडर्ड के एडमिशंस अभी ओपन है, इंक्लूडिंग CBSE एंड ICSE बोर्ड्स। दोपहर से शीलफाटा चौराहे पर लगा है ट्रैफिक जाम, वाहन चालकों के साथ ट्रैफिक विभाग भी है परेशान। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंबई अहमदाबाद महामार्ग और इनको जोड़ने वाले ठाणे के तमाम मार्ग, इनकी हालत खस्ता होने की वजह से अब चारों तरफ पिछले 3-4 दिनों से ट्रैफिक जाम का जो कोहराम मचा हुआ था वो शील फाटा चौराहा और कल्याण फाटा चौराहा तक पहुंच चुका है। एक दिन पहले हमने आपको बताया मोबरा बाईपास पर किस तरीके से ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, घंटों वाहन चालक इसमें फंसे हुए थे और धीमी गति से थोड़ा थोड़ा वाहनों की संख्याओं के तहत जो है ट्रैफिक विभाग द्वारा इन वाहनों को निकाला जा रहा था। मगर गुरुवार 14 जुलाई को ट्रैफिक जाम का यह सिलसिला सीधा शील फाटा और कल्याण फाटा चौराहे पर पहुंचा। दोपहर से ही शील फाटा चौराहे पर खास करके महापे रोड से आने वाले वाहन, कल्याण की तरफ से आने वाले वाहन, पनवेल की तरफ से आने वाले वाहन और ठाणे से मुमरा कौसा होकर जाने वाले वाहन, इनका जमघट्टा लग गया। एक के बाद एक कतारें लग गई थी। किस तरीके से दोपहर से लेकर रात 9-10 बजे तक यहां पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, जिसके चलते सारे वाहन चालक भी परेशान और भारी बारिश और रास्तों की खराब हालत के चलते ये ट्रैफिक जो जाम लगा है उससे ट्रैफिक विभाग भी परेशान है। We'll be right back.
हूँ।